हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, उनके पूछने का मतलब ये है कि अगर हम स्पाउस वीजा के ऊपर आते हैं तो अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमारे लिए कोई जॉब वगैरह है या नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि हम कौन सी जॉब कर सकते हैं अगर हमारे को इंग्लिश कम आती है या हम कम पढ़े लिखे हैं। दो तरह के बंदे आ सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। स्पाउस वीजा की बात करूंगा चाहे स्टूडेंट वीजा की बात करूंगा, दोनों सेम है। स्टूडेंट वीजा और स्पाउस वीजा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। एक बार कंसर्न जरूर कर लेना अच्छी एजेंसी से, कंसल्टेंसी से या हमारा एजेंट से। स्टूडेंट वीजा एक, आप सिर्फ अकेले आ रहे हो, दूसरा आपका स्पाउस साथ में आ रहा है तो स्टूडेंट वीजा ही ना। जो प्राइम कैंडिडेट है वो पढ़ेगा और जो दूसरा बंदा उसके साथ में आ रहा है उसका स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, है ना, तो वो भी काम कर सकता है कुछ केसेस में, हर केस में नहीं। अगर आप मास्टर डिग्री में आते हो या पीएचडी करने आते हो उस टाइम के ऊपर आपके जो वर्किंग राइट्स होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब ज्यादा काम कर सकते हो स्पाउस भी और खुद भी। लेकिन अगर आप दूसरे स्टूडेंट वीजे के ऊपर आते हो जैसे बैचलर डिग्री में आते हो, ठीक है, तो आपके पास हफ्ते में सिर्फ 20 आवर्स ही होंगे काम करने के लिए। बाकी जब आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह बंद हो जाएगी, छुट्टियां पड़ जाएंगी, तब आप कर सकते हो फुल टाइम। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, जिनको मतलब कम पढ़े लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको ही नौकरी मिलती है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स है ना तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। $25 से लेकर $30 तक आप पैसा कमा सकते हो एक घंटे का। आप 50 के साथ मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, ध्यान से इस बात को सुनो। देखो बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें ना स्पेशलिटी की जरूरत नहीं होती है, स्टडी की जरूरत नहीं होती है शुरू के केस में। तो शुरू के केस में आप कर सकते हो पैकेजिंग का काम कर सकते हो किसी फैक्ट्री में, मशरूम पिकिंग कर सकते हो, कार वॉशिंग कर सकते हो, ऐसी वाली चीजें, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ये काम आपको करने पड़ सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है वो कितना पे रेट आपको दे रहे हैं, देंगे तो एज पर लॉ, ठीक है। तो वैसे जो एवरेज रेट चल रहा है फैक्ट्रीज में वो डिपेंड करता है, एवरेज रेट 22 से लेकर 27-28 के बीच बीच में आपको मिल जाएगा, 22 से 27 डॉलर्स के बीच में आपको एक घंटे का मिल जाएगा अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर स्टडी है, कोर्स है तो ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कई लोगों के पास एजुकेशन होती है अच्छी, पढ़े लिखे भी होते हैं शुरू के टाइम के ऊपर, इनिशियल डेज में जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको भी ये काम करने पड़ सकते हैं, फैक्ट्रीज में जाना पड़ सकता है, पिकिंग एंड पैकेजिंग का काम करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो, आपने रहना ही यहीं पर है, तो क्या करो कि थोड़े बहुत कोर्स करते रहो, ये मेरा मानना है। जैसे आपने एक लाइन चूज कर ली, जैसे आपने ट्रक ड्राइविंग कर सकते हो, उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आप पेपर पास करने होते हैं बस प्रैक्टिकल, वो आप ट्रेनिंग लेकर शुरू करो। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सिक्योरिटी का हो गया, सिक्योरिटी का कोर्स कर लो, एक बार चेक कर लेना सारी, मुझे लगता नहीं है कि इनमें कोई जरूरत होती है। और सिक्योरिटी के केस में भी बहुत पैसे हैं, काम क्या करना होता है, खड़ा होना होता है बस। कई बार तो इस जगह के ऊपर आपको जॉब मिल जाएगी तो आप एंजॉय भी करोगे। सिक्योरिटी के केस में सिक्योरिटी ऑफिसर, इनके कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, डिसेबिलिटी का कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहां पर कम पढ़े लिखे हो, कई बार ऐसा होता है कि स्पाउस जो है वो जिस जो प्राइम कैंडिडेट है वो बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए यहां पर आता है, ठीक है। तो जो जिसके साथ उसकी मैरिज हुई होती है वो कम पढ़ा लिखा होता है, इनके कहने का मतलब ये था, 10th पास या प्लस 2 पास या इससे भी कम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पर दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी, बिना स्टडी के भी काम चल सकता है। लेकिन देखो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, आपको करना तो पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप अपने आप को रोको ना कभी भी, कुछ ना कुछ तो करते रहो, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इंडिया में क्या होता है, मोस्टली की बात कर रहा हूं, इंडिया में या किसी भी कंट्री में मुझे बाकी नहीं पता, इंडिया में क्या होता है कि प्लस टू की बैचलर कर ली, मास्टर कर ली, नौकरी लग गई, खत्म। पैसे आ रहे हैं, सरकारी नौकरी लग गई, खत्म।
बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे ना तो आपका कभी भी घाटा नहीं होगा। आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि यार मुझे एक नौकरी मिल गई है मैं उसमें सेटिस्फाई हूं। ठीक है सेटिस्फाई हो लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। और उसी तरह अगर आप यहां पर आओगे तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप धीरे धीरे करते रहोगे ना तो उसमें स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। ठीक है तो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। कई मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, सुना भी है अपने फ्रेंड्स से, अच्छी पोजीशन में थे इंडिया में, यहां पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है शुरू के केस में। करना पड़ेगा क्योंकि रेंट भी नहीं रुकेगा वो चलता जाएगा, स्टडी भी नहीं रुकेगी वो भी चलती जाएगी, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो रुकने वाले नहीं है। और कितनी देर तक आप इंडिया से पैसा मंगवा लोगे, हु नोज। तो आप अगर एक बंदा पढ़ रहा है, आपका स्पाउस पढ़ रहा है, तो दूसरा मतलब जो लाइफ पार्टनर है उसको ये चाहिए कि वो अपना धीरे धीरे करता रहे कोर्स, उनकी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक बंदे की प्राइम कैंडिडेट की स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और उसने तो उसी में प्रोफेशन में जॉब करनी है। ठीक है दो साल लगे, मान लो आपने मास्टर के लिए दो साल के लिए आए हो, ठीक है, और उसके पास आपके पास वर्किंग राइट्स होंगे फुल, और जो दूसरा बंदा है वो कमाए ऊबर कर सकते हो, ओला कर सकते हो, ऊबर ईट्स कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो, और कार वॉशिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, पिकिंग हो गया, और फैक्ट्रीज में अलग अलग काम मिल जाता है। कितनी चीजें तो मैंने आपको गिना दी। यहाँ पर ये जरूरत नहीं है आप कितने पढ़े लिखे हो, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं बस, दैट्स इट। उसमें कोई आपसे कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा या आईटी के थोड़ा पूछेगा। और अगर आपकी उतने दो साल आपने जॉब की, जो पैसा आप कमा रहे हो उनकी स्टडी के ऊपर लग रहा है और खर्चा पानी चल रहा है, शुरू के टाइम के ऊपर पंगा पड़ता है थोड़ा बहुत, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। ये नहीं कि आते ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है लेकिन चांसेस कम होते हैं। ठीक है तो मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर शुरू के टाइम में ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आपकी किस्मत है कि आपको अच्छी नौकरी आते मिल जाए। अगर आप पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हो ना तो भी आपको ये जॉब्स करनी पड़ सकती हैं शुरू के टाइम के ऊपर। चलो वो भगवान की कृपा रही मेरे पे कि मैंने ऐसे जॉब्स नहीं की हैं। मैंने अपने आईटी में जॉब अप्लाई किया था जब मैं फरवरी 2019 में अप्लाई किया था, 2020 में अप्लाई किया था एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, और मुझे कॉल भी आ गई थी सिटी से, सिटी में एक कंपनी थी तो वहाँ पर मैं इंटरव्यू भी देकर आया, और फिर उसके बाद मार्च में कोरोना हो गया शुरू, तो इसलिए मैं फिर जॉब नहीं कर पाया। चलो भगवान की कृपा से मेरा पीटी का बिजनेस था, ऑनलाइन कोचिंग का पीटी यहाँ पर चलती है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल को विजिट कीजिए, दूसरा चैनल नेम है पीटीई टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल, या गूगल के ऊपर से सर्च कर लीजिए पीटीई बाय निखिल, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। पीटी का टेस्ट बहुत जरूरी है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में आना है किसी भी वीजा के ऊपर, स्पाउस वीजा, पीआर, उसके लिए आपको मिल जाएगी सारी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, और अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है पूछ लो। बेस्ट ऑफ लक।